हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स वन के फाइनल चैप्टर में, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एलपीपी भी बोलते हैं। और एलपीपी में एक और पी का क्या मतलब है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 आज पूरा कंप्लीट करेंगे। बकवास चैप्टर है, सिर्फ 7.4 इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आएगा 99.9% केस में। 0.1% केस में हो सकता है कहीं और से आ जाए, हो सकता है। ठीक है, 0.1% केस में। तो 7.4 एकदम ढंग से करना है और बाकी कुछ ढंग से नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मान लो एंड मोमेंट पे आ गए हो, तुम्हें चाहिए कुछ कुछ बता दो, कुछ कुछ बता दो जिससे भला हो जाए, तो 7.4 कर लेना, फिर वहीं से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। आप उठा के देख लो, हमेशा 7.4 से ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइजेस सीखेंगे, पूरा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्किप करेंगे। तो देखते ही देखते देखो यार, फाइनल चैप्टर पर आ गए हम लोग। कहाँ, अभी शुरू हुआ था बस 26 दिन पहले। ठीक है, लॉजिक शुरू हुआ था 26 दिन पहले और मैंने बोला था यार कोशिश करेंगे जुलाई एंडिंग तक करा दें। तो आप में से कुछ लोग बोले कि कोशिश करना कि 3-4 चैप्टर करा देना जुलाई एंडिंग तक, क्योंकि हमारा यूनिट टेस्ट है। 3-4 चैप्टर आप करा दोगे तो हमारा भला हो जाएगा। तो हमने बोला पूरा ले लो। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इन इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड इन इक्वेशन। मतलब इस प्रकार का कोई आप लोगों को इक्वेशन दे दे जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन या ऐसा कोई साइन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूँ x माइनस टू लेस देन जीरो या x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो या x प्लस फोर ग्रेटर देन थ्री, ये सब क्या है, इन इक्वेशंस है। ठीक है, अच्छा, तो एक आता है सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन क्या होता है, देखो इन इक्वालिटी का ना कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब सिर्फ x बराबर थ्री, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि कोई एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, x बराबर थ्री या x बराबर फोर, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, वरना मैक्सिमम केस में इन इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन या काउंटेबली इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, ये सब काउंटेबल है लेकिन फिर भी इनफाइनाइट है। और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट मतलब रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे के सारे अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो गए। तो सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द गिवन इन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन। समझा, ऐसी x की वैल्यूज जो कि एक पर्टिकुलर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, एक वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, बहुत सारे। जैसे x माइनस टू लेस देन जीरो बोला है और तुम्हें बोला है कि x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो जरा नंबर लाइन बनाना। ठीक है, यहाँ पे आया टू। ठीक है, अच्छा देखो, x माइनस टू जो है इसको मैं लिख सकता हूँ x लेस देन टू, मतलब x कहाँ पर है, x टू से पीछे है। x लेस देन टू मतलब x जो है वो टू से कम है, तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ पे मैं एक डॉट लाइन बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि टू यहाँ पे देखो इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा देता तो यहाँ पे मैं डार्क एंड पॉइंट बनाता, बट यहाँ पे टू इंक्लूड नहीं है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा सर्कल बनाऊंगा। और फिर इसके बाद ये पूरा सेट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक इसका सॉल्यूशन हो गया, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से टू। समझ गए, सपोज मैंने लिखा होता है एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मतलब मैं लिख रहा हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। 3/4 मतलब क्या, 0.75, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0.75 है मान लो, तो x कैसा है, या तो 0.75 है या तो 0.75 से बड़ा है। तो बेसिकली ये हो गया इसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी तक। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 3/4 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। ओके, समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, बहुत सारी वैल्यूज होती है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें उन्हीं बहुत सारी वैल्यूज को डिस्कस करना है। ठीक है, तो तीन केसेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को ओरिजिन टेस्ट बता देता हूँ क्या होता है, और उसके बाद सॉल्विंग शुरू करते हैं, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ केसेस बताता हूँ। ठीक है, समझ लो हमारे पास एक इनइक्वालिटी है 5x+3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो तीन केसेस बताता हूँ। केस वन, मान लो आपसे बोला है 5x+3 ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कैसे सॉल्व करोगे, सिर्फ इतना ही बोला है तो।
ठीक है, एक और केस आता है जो कि इन तीन क्वेश्चंस के बाद बताऊंगा, जो कि होता है सॉल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो इनके बाद बताऊंगा। देखो 3 को वहां भेज दो तो हो गया 5x = -3, मतलब x = -3/5, मतलब x = -0.6। तो नंबर लाइन बनाओ, ये है 0, यहाँ कहीं पे होगा -0.6 या फिर -3/5। -3/5 लिखो, ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, अच्छा तो x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, मतलब -3/5 से जो भी आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। क्या -3/5 इसका सॉल्यूशन होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन साइन तो है बट इक्वल वाली साइन नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक ऐसा गोला बनाएंगे और इसके आगे एक डार्केंड लाइन बनाएंगे जो कहाँ तक टेंड करेगी, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे लिखेंगे डार्केंड लाइन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे डार्केंड लाइन इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, डार्केंड लाइन इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट। ठीक है। केस टू, मान लो केस टू में आप लोगों को बोल दिया कि 5x + 3 > 0, मतलब x = -3/5, तो फिर से नंबर लाइन बनाओगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ से? -3/5 से। तो अब की बार -3/5 भी इंक्लूडेड है, तो अब की बार हम लोग यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद ऐसा एक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डार्केंड पॉइंट एंड डार्केंड लाइन, क्योंकि पॉइंट भी है ना एक, वो भी सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन सेट। ठीक है। केस थ्री, मान लो आपको बोला 5x + 3 > 0 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर बोलो या आई से रिप्रेजेंट करो या जेड से रिप्रेजेंट करो, इंटीजर ही होगा, राइट। अच्छा, तो अब की बार सिर्फ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मतलब x = -3/5, तो सिर्फ इंटीजर को अगर बिलोंग कर रहा है तो ये है हमारा -3/5, तो सॉल्यूशन 0 होगा, सॉल्यूशन 1 होगा, सॉल्यूशन 2 होगा, सॉल्यूशन 3 होगा, ऐसे सॉल्यूशन चलते रहेगा, राइट। तो इसमें एक लाइन नहीं बन रही है, इसमें सिर्फ पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इसका कैसे लिखेंगे, इसके लिखेंगे डार्केंड पॉइंट्स इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट। फर्क समझ में आया तीनों का? तो कभी भी आप लोगों को अगर ऐसा नंबर लाइन का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है आपको। फिलहाल क्वेश्चंस तो आपको ग्राफिकल आएंगे सारे, आई थिंक 7.1 में मैंने नज़र डाल देनी है एक बार, ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली सारे ग्राफिकली करने हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं, बट फिर भी आइडिया के लिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो ग्राफिकली सॉल्व करने बोलता है तो उसका सेंस क्या होता है, आइए तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको बोला है सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन में बोला है सॉल्व ग्राफिकली। तो जब ग्राफिकली सॉल्व करने बोले तो इसका सेंस क्या होता है पता है, तुम्हें ग्राफ बना के सॉल्व करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन बोला है x - 3 < 0 और दूसरा क्वेश्चन बोला है x - 3 < 0 और तीसरा क्वेश्चन मान लो बोल दिया है 2y > 4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो हम लोगों ने बनाया ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद स्केल लिखेंगे, स्केल रट्टा मार लो ऑन बोथ एक्सेस सिंगुलर एक्सेस प्लूरल, 1 cm = 1 unit। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है पता है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो पहले। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, माइंड में करना ये सब, रियलिटी में नहीं, इसको आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करो तो x - 3 = 0 आ जाएगा, ठीक है, तो x = 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे x = 3 की एक लाइन बनानी है। तो x = 3 की मैंने लाइन खींच दी है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो x = 3 की मैंने लाइन खींच दी है। अब हमें परफॉर्म करना है ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट क्या होता है, ओरिजिन टेस्ट देखो शॉर्टकट में अगर समझना है, ओरिजिन टेस्ट का शॉर्टकट मेथड ये होता है कि अगर लेस देन साइन है तो इसका मतलब होता है ओरिजिन साइड, ठीक है, और ग्रेटर देन है तो इसका मतलब होता है नॉन ओरिजिन साइड। लेकिन अगर इसका रियलिटी में मीनिंग समझना है तो इसका मतलब ये होता है कि आप x और y की जगह 0 डाल दो, ठीक है, तो 0 डाल देते हम लोग, x की जगह 0 डाल दो, y होता तो उसकी जगह भी 0 डाल देते। x की जगह 0 डाल दिया तो हमें मिल रहा है -3 < 0। ओरिजिन टेस्ट समझ रहे हो ना, ओरिजिन टेस्ट क्या कहता है हमसे, ओरिजिन टेस्ट कहता है पुट कर दो x और y को 0 और उसके बाद देखो कि क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फिर वो ओरिजिन साइड जाएगा, ये ओरिजिन साइड जाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नॉन ओरिजिन साइड जाएगा। मतलब आप x की जगह पहले 0 डालो, 0 डाल दिया हमने तो -3 < 0 आ रहा है। क्या -3 0 से कम होता है? होता है, मतलब सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ओरिजिन साइड जाएगा।
ठीक है। और शॉर्टकट से देखो तो लेस देन का मतलब होता है ओरिजिन साइड, तो वैसे भी समझ सकते हो ओरिजिन साइड मतलब ओरिजिन की तरफ। तो हम लोग एरिया शेड कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ओरिजिन साइड मतलब ओरिजिन की तरफ, नॉन ओरिजिन आता तो उस तरफ जाते, ठीक है ठीक है। अच्छा तो एक आता नॉन ओरिजिन का भी एग्जांपल आप रेडी रखो, रेडी है ठीक है ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर, कैसे लिखते हैं आंसर लिखते हैं शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन। तीनों में सेम स्टेटमेंट आनी है ना, इसलिए मैंने वहां तक लिख दिया। वो चला हो रहे हो ओके। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ग्राफ बनाते हैं, फिर से स्केल छाप लेना, स्केल फिर से वही आएगा ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ठीक है। तो अब की बार भी हम लोग इन इक्वालिटी को कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी में, तो x माइनस 3 बराबर 0 आएगा, मतलब x बराबर 3 आएगा। तो अब की बार भी x बराबर 3 की लाइन बनानी है, लेकिन अब की बार इक्वालिटी साइन नहीं है, इक्वालिटी साइन नहीं है तो हम लोग x बराबर 3 लाइन बनाएंगे ज़रूर, लेकिन डॉटेड बनाएंगे। तो ये हमने बना दी x बराबर 3 वाली लाइन, बट डॉटेड। डॉटेड क्यों? क्योंकि क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी होती है तो डॉटेड नहीं बनाते। अच्छा ओरिजिन टेस्ट कर लो, x के जगह 0 डालो, 0 माइनस 3 माइनस 3, क्या माइनस 3 लेस देन 0 होता है? होता है, तो सेटिस्फाई हो गया मतलब ओरिजिन साइड। ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपसे खुश रहेंगे, और लोग आपसे खुश रहेंगे तो आपकी तरफ आएंगे मतलब ओरिजिन साइड, और आप गलत काम करोगे तो लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे तो भागेंगे आपसे दूर मतलब नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो आप लोग इसका ये हो गया सॉल्यूशन सेट। बस फर्क क्या है दोनों में, इक्वालिटी साइन है तो डॉटेड लाइन नहीं है, सीधी लाइन है। इक्वालिटी साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन है। अब ये बोला है 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो पहले ग्राफ बना लो। ये हो गया हम लोगों का एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया स्केल, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ठीक है। तो 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसको कन्वर्ट कर लो, पहले y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, फिर मैंने बोला इक्वालिटी को सॉरी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करो, तो y बराबर 2 आ गया। तो y बराबर 2 की एक लाइन बना दो, और इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो लाइन डॉटेड नहीं होगी, तो ये आ गई हमारी y बराबर 2 वाली लाइन। अब इसमें ओरिजिन टेस्ट डालो, y की जगह 0 डालो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं होता है, तो मतलब सॉल्यूशन आएगा नॉन ओरिजिन साइड। और बाकी शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो, देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब होता है नॉन ओरिजिन, नॉन ओरिजिन मतलब ओरिजिन से दूर भागना, तो ओरिजिन से ऊपर भागेगा। तो ये हो गया शेडेड पोर्शन विच रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं दो वेरिएबल वालों को कैसे सॉल्व करने का। जैसे आपको दिया है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, या फिर आपको दिया है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ठीक है ओके। तो ध्यान से सुनना, और कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा जो लिखूँगा नहीं, तो वो आप लिखना, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट है, क्योंकि मुझे लगा आपको पता चल गया होगा तो इसीलिए मैंने खुद बता दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा सॉल्व करते, देखो सॉल्व ग्राफिकली बोला है, तो मैंने बोला इसमें ऐसे क्वेश्चंस में देखो हम लोग टेबल बनाते हैं। कौन सा टेबल? टेबल में हम लोग लिखते हैं करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, टेबल में हम लोग लिखते हैं करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन। यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रीजन, ठीक है, मतलब ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो ये टेबल हम लोग बनाते हैं कुछ बेहतरीन सा, ओके 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 ओके, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 6, इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। 7.4 में ये सब मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि 7.4 में मैं पूरा ही चैप्टर रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ज़रूरी है ना वो सब, 7.3 और 2 नहीं, ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सब। हाँ तो x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब होगा लाइन का, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो y 0 हो गया, तो y को 0 डाल दो, यहाँ y को 0 पुट करो तो x बराबर 6 आ रहा है, तो x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 6.0। y एक्सिस पे x 0 हो रहा है तो x को 0 डाल दो, तो y बराबर 3 आ रहा है, तो 0.3 आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा अब ओरिजिन टेस्ट से मुझे बताओ रीजन क्या है, x और y की जगह 0.0 डाल दो, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, क्या 0 6 से छोटा होता है? होता है, तो रीजन कौन सा आएगा, ओरिजिन साइड, ठीक है, समझ गए ना। वैसे लेस देन साइन है तो ओरिजिन साइड डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो ओरिजिन टेस्ट कहाँ फेल कर जाता है, अगर यहाँ माइनस 6 होता ना, यहाँ अगर माइनस 6 होता तो ओरिजिन टेस्ट फेल कर जाता, फिर ओरिजिन साइड की जगह नॉन ओरिजिन साइड आ जाता, ठीक है। कब?
मतलब ओरिजिन टेस्ट नहीं फेल करता, आई एम रियली सॉरी, जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया कि एक्स वाई को जीरो डाल दो और फिर उसके बाद देखो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं वो नहीं फेल करता, फेल वो शॉर्टकट कर जाता, शॉर्टकट फेल कर जाता, मतलब लेस देन मतलब ओरिजिन साइड होता है, ग्रेटर देन मतलब नॉन ओरिजिन साइड होता है, वो शॉर्टकट फेल कर जाता। क्यों? क्योंकि जीरो डालो, जीरो डालोगे तो आया है जीरो लेस देन इक्वल टू माइनस सिक्स। क्या माइनस सिक्स से जीरो छोटा होता है? नहीं, तो कहाँ ना चाहिए नॉन ओरिजिन साइड, लेकिन साइन तो लेस देन है जो कि बताती है ओरिजिन साइड, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो शॉर्टकट लगाओ, लेकिन ये देख के लगाओ कि ये सिक्स जो है वो पॉजिटिव रहे, इनइक्वालिटी के उस साइड जो भी है वो पॉजिटिव रहे तो शॉर्टकट लगाओ। सब भूल जाओ, लेस देन मतलब ओरिजिन साइड, ग्रेटर देन मतलब नॉन ओरिजिन साइड, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो 6.0 मतलब ये आ गया 6.0, एक तो 0.3 मतलब ये आ गया 0.3। तो लाइन जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास हो रही है, तो ये हो गई हमारी लाइन। अब सॉल्यूशन है ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड मतलब ये पूरा एरिया इसका सॉल्यूशन हो गया ओरिजिन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए भी ऐसा ही टेबल बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगा 3x + 2y बराबर 0। ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यहाँ पे वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और इस साइड क्या, इस साइड रीजन। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वाई जीरो होगा और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक्स जीरो होगा। तो एक्स को जीरो करोगे तो वाई जीरो आ रहा है, और वाई को जीरो करोगे तो एक्स भी जीरो आ रहा है। अरे भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0.0 आ गया। तो जब कभी ऐसा केस फंस जाए तो उस केस में आप लोग कोई भी अपनी मर्जी से दो पॉइंट मान लोगे। ठीक है, उस केस में आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना लिख के ऐसे लिखोगे लाइन पासेस थ्रू। ठीक है, अब ये 3x + 2y इक्वल टू 0 है, तो मुझे कोई दो वैल्यूज बताओ जिन पे ये सेटिस्फाई हो रहा हो। तो मेरे हिसाब से एक वैल्यू तो 0.0 है ही। ठीक है, 0.0 तो है ही, और एक वैल्यू क्या है, और एक वैल्यू बताओ जिसपे ये जीरो हो रहा हो इक्वेशन। ना समझ में आया ना, तो एक्स को वन डाल दो, एक्स को वन डालोगे तो 2y = -3, तो वाई बराबर -3/2 आ जाएगा। तो एक्स को वन, वाई को -3/2, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। याद है ना, दसवीं में करते थे 1.2 में, एक्स को जीरो डाला, वन डाला, टू डाला, फिर वाई की जो जो वैल्यू आई, तो वैसे ही एक्स को जीरो डाला वाई जीरो आया, एक्स को वन डाला तो वाई ये आया। ठीक है, और रीजन बता दो, रीजन क्या है? रीजन है नॉन ओरिजिन साइड की ओरिजिन साइड। अब शॉर्टकट वालों का यहाँ पे फायदा हो जाएगा कि भैया ग्रेटर देन मतलब तो नॉन ओरिजिन होता है, तो नॉन ओरिजिन ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब जो शॉर्टकट पर नहीं डिपेंड रहना चाहते उनके लिए एक चीज़ बता दूँ, कभी भी अगर लाइन ओरिजिन से पास हो जाए ना, कभी भी अगर लाइन ओरिजिन से पास हो जाए, मान लो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मान लो हो नहीं रही है, ठीक है चलो कर देते हैं यार, तुम यार सीरियस ले लेते हो यार, बहुत बहुत अजीब इंसान हो, फिर से नहीं पास हुई। अरे यार देखो, ये लाइन है, ठीक है, ये पास कर दी मैंने ओरिजिन से, तो ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। तो अगर लाइन कभी ओरिजिन से पास होती है ना, तो वहाँ पे ओरिजिन टेस्ट फेल कर जाता है, मतलब तुम ओरिजिन टेस्ट कर ही नहीं सकते। तो अगर ओरिजिन टेस्ट हम लोग नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, 1.0, -1.0, 2.0, अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं। शॉर्टकट तो जिंदाबाद है, शॉर्टकट तो एकदम सही बता रहा है कि नॉन ओरिजिन है, ठीक है चलेगा। लेकिन जो लोग फिर भी लॉन्ग कट पे डिपेंड रहना चाहते हैं, जो थोड़ा समझना चाहते हैं जैसा मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, उनके लिए बोल रहा हूँ, तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं 1.0। तो 1.0 अगर एक बार इसमें डाल दो तो 3 + 3 + 0, 3 > 0, क्या 3 0 से बड़ा होता है? यस होता है, तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब 1.0 के तरफ आएगा वो। ठीक है, तो एक्सिस वाला पॉइंट हम लोग इसमें डाल देते, तो 1.0 डालो तो 3 + 3 = 0, क्या 3 0 से बड़ा होता है? होता है, तो इसका मतलब 1.0 इसके सॉल्यूशन में आता है। तो अगर 1.0 सॉल्यूशन में आता है, तो इसके सॉल्यूशन जो होगा वो 1.0 की तरफ होगा। बाकी शॉर्टकट से तो आप लिख ही चुके हो नॉन ओरिजिन, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया 0.0 और 1, -3/2 यहाँ आ जाएगा, 1, -3/2 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन बेसिकली ऐसे जा रही है, और ये 1.0 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1.0 कहीं यहाँ आएगा ना। तो अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो उस तरफ होगा या इस तरफ होगा? अगर ये पॉइंट कौन सा है, 1.0, 1.0 अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को, मतलब वो इसके सॉल्यूशन में आ रहा है, तो सॉल्यूशन किस तरफ होगा, उस तरफ या इस तरफ? ऑब्वियसली उस तरफ होगा, तभी तो ये पॉइंट आएगा उसमें। तो बेसिकली ऐसे ऐसे कर देना है। बाकी जिन्होंने शॉर्टकट से समझ लिया था उनका तो फायदा हो ही गया,
ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग कट वाले झेल गए, थोड़ा जो ज़्यादा प्रतिष्ठा परंपरा वाले लोग थे उनको थोड़ा सा यहाँ पे सदमा लग गया, क्योंकि उनकी ट्रिक के लिए थोड़ा सा उनको ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा। बाकी जो शॉर्टकट वाले थे उन्होंने बोला ये ग्रेटर देन नॉन ओरिजिन नॉन सीधा बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज की सॉल्विंग शुरू करते हैं, और कुछ नई चीज़ आएगी तो एक्सरसाइज में ही सीखेंगे। ठीक है, 30 मिनट लगेगा, पूरा एक्सरसाइज उड़ा दूंगा। चलो शुरू करते हैं, आइए सॉल्विंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉल्व ग्राफिकली, क्वेश्चन सेम है तो मैं दो ग्राफ बनाऊंगा और दो दो क्वेश्चन करके 7 क्वेश्चन दिए, सबको कर जाऊंगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिए। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ। स्टेटमेंट सेम है, स्टेटमेंट क्या है, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट, रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की सेम रहने वाली है हर एक क्वेश्चन में। और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। स्केल दोनों जगह सेम है क्या, ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो एक्स बराबर 0 आ गया। दिमाग में कन्वर्ट करना है, सच में नहीं। ठीक है, सच में कब करते हैं, जब टेबल बनाते हैं। तो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 मतलब कौन, वाई एक्सिस। ठीक है, और ओरिजिन टेस्ट तो यहाँ पे काम करेगा नहीं, तो शॉर्टकट से बताओ, ग्रेटर देन साइन है मतलब नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड मतलब इस तरफ। ठीक है, तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 0 मतलब क्या, एक्स बराबर 0 मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में चीख चीख कर बताया था कि एक्स बराबर 0 मतलब होता है वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो चाहो तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, शेडेड रीजन तो एकदम कॉमन पॉइंट हो गया, सब में चलेगा, बट अगर पर्टिकुलरली लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वाई एक्सिस एंड राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन, वाई एक्सिस एंड राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक्स लेस देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इक्वेशन बना दो, तो एक्स बराबर 0, तो मतलब फिर से ये वाई एक्सिस की ही बात कर रहा है। ठीक है, वाई एक्स एक्स वाई, फिर से ये वाई एक्सिस की ही बात कर रहा है, फर्क क्या, आपकी बार लेस देन साइन है मतलब नॉन ओरिजिन साइड, तो आपकी बार सॉल्यूशन क्या है, आपकी बार सॉल्यूशन है वाई एक्सिस एंड लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली ये वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3-4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या सेंस है, इसका सेंस है वाई बराबर 0, और मैंने बोला है वाई बराबर 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ग्रेटर देन साइन है मतलब नॉन ओरिजिन मतलब ऊपर की तरफ, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेट, ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन बोला है वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो कॉमन स्टेटमेंट सब कुछ सेम है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को थोड़ा सा दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो जब भी देखो दो इक्वेशन इन्वॉल्व कर देना, तो दोनों इक्वेशन से मिल के क्या कॉमन आ रहा है वो सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन में बोला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, तो ये बना दो वाई एक्सिस, ये बना दो एक्स एक्सिस, और स्केल लिख लो यहाँ पे, स्केल क्या हो गया, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, तो हमारे करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बने, एक बना एक्स बराबर 0, एक बना वाई बराबर 0। एक्स बराबर 0 बोले तो, एक्स बराबर 0 तो बोले तो वाई एक्सिस, एक्स बराबर 0 बोले तो वाई एक्सिस। ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन साइन का मतलब है नॉन ओरिजिन साइड, मतलब इसका सॉल्यूशन है ऐसे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है ऐसे, ठीक है, ओके। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का भी सॉल्यूशन हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, फिलहाल ये हो गया वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 मतलब एक्स एक्सिस, और ग्रेटर का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन नॉन ओरिजिन, मतलब इसका सॉल्यूशन है ऐसे, कैसे, इसका सॉल्यूशन है ऐसे ऐसे ऐसे,
ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, जो एरिया कॉमन होता है जो दोनों इक्वेशन में आए उसको हम सॉल्यूशन मानते हैं। तो कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, ये वाला, और ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉमन रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते थे यार, देखो इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, पहला हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर टू में बोला है एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब ऐसा, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, सॉरी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, वाई एक्सिस इस तरफ, ठीक है, तो ये आ गया इस तरफ, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है इस तरफ। अभी बनाया ना यार ऊपर क्वेश्चन नंबर वन में, अभी हम लोगों ने बनाया सब कुछ, ये भी बनाया, ये भी बनाया, तो वही तो रिपीट हो रहा है। तो अब की बार सॉल्यूशन क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो अब की बार सॉल्यूशन समझ ही गए हो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, बट बना के दिखा देता हूँ। एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब कौन सा पॉइंट, ये सारा पॉइंट, वाई लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब ये सारा पॉइंट। तो सॉल्यूशन कौन आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, सो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, फोर्थ क्वेश्चन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या, एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब ये सारे पॉइंट्स, और वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब, वाई लेस देन जीरो का मतलब क्या, ये सारे पॉइंट्स। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ रहे हो यार। ये सब मैं फटाफट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई खास सेंस नहीं है इनका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के, चारों क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर थ्री के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2x-3 बराबर जीरो आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/2, मतलब x बराबर आ जाएगा 1.5, मतलब ये ऐसी लाइन है जो 1.5 से पास होती है, और ग्रेटर देन साइन है मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले स्केल लिख लो, ठीक है, स्केल लिख लो, स्केल क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। कहीं पर अगर मैं स्केल लिखना भूल जाऊँ तो नाराज मत होना, खुद से लिख लेना, ठीक है। तो x बराबर 1.5 मतलब वो लाइन कुछ ऐसी है, और इससे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओरिजिन टेस्ट करो, ओरिजिन टेस्ट करो, जीरो डालो, तो ये -3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या -3 जीरो से बड़ा होता है, नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो नॉन ओरिजिन आएगा, तो फिर ये ऐसा आएगा, ठीक है, या तो शॉर्टकट मार दो, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, नॉन ओरिजिन, तो ये चला गया ना नॉन ओरिजिन। तो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, द लाइन एक्स बराबर 3/2 एंड राइट एंड द रीजन राइट टू द लाइन एक्स बराबर 3/2 रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट। दोनों तरीका ऐसे लिखो वैसे लिखो, मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं, 2y-5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो स्केल अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद से लिख लेना, ठीक है, इक्वेशन को इन इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो 2y-5 बराबर जीरो, तो y बराबर 2.5, तो y बराबर 2.5 वाली पहले लाइन मारो यहाँ पे, तो हमने लाइन यहाँ पे मार दी y बराबर 2.5 वाली। अब यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन जीरो मतलब नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन मतलब ऐसे, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू भी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, 3x+4 less than equal to 0 इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करो, तो ये आ गया 3x+4 बराबर जीरो, तो x बराबर आ गया -4/3, तो -4/3 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, तो इस लाइन से हमें किस तरफ जाना है, लेस देन जीरो मतलब ओरिजिन साइड, तो हमें इस तरफ जाना है, ओरिजिन यहाँ है ना, तो हमें इस तरफ जाना है, तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है 5y+3 less than equal to 0, तो ये तो मैंने करा दिया है, आपको याद करो, ये मैंने करा दिया है, ठीक है, y लेस देन इक्वल टू आ जाएगा -3/5, ठीक है, तो y का -3/5 कहीं यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आया, लेस देन साइन है मतलब नॉन ओरिजिन साइड मतलब इस तरफ, तो ये आ गया नीचे की तरफ, तो ये आ गया फिजिबल रीजन, मतलब सॉरी सॉल्यूशन सेट, शेडेड रीजन, ये आ गया आपका सॉल्यूशन सेट। तो चिंदी चीज़ें इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, गाली मत दे रहे हो, गाली दे रहे हो क्या तुम मुझे, ये तेज कराने के लिए मुझे उल्टा बोल रहे हो तुम, अरे यार ये मैंने तेज कहाँ कराया यार, इतना स्लो मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ, बस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है यार ये, क्या इसमें। अब चलो क्वेश्चन नंबर फोर करा देता हूँ, फर्स्ट और थर्ड करा ही दिया था, सेकंड और फोर्थ करा देता हूँ।
आइए क्वेश्चन नंबर टू और फोर देख लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड तो करा ही दिया है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे रीजन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटर, पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बताओ। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हुआ 2x माइनस 5y बराबर 10। जब x पे इंटरसेक्शन होगा तो y जीरो हो जाएगा, तो y जीरो कर दो तो x बराबर 5 आ गया। देखो ना, y को जीरो पुट करो तो x बराबर 5 नहीं आ रहा है, 10 बटा 2। y पे इंटरसेक्शन होगा तो x जीरो हो जाएगा, x को जीरो कर दो तो y आ रहा है माइनस 2, ठीक है। और ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन साइन है मतलब नॉन ओरिजिन साइड, तो नॉन ओरिजिन, नो एन ओ नो मतलब नॉन ओरिजिन, ठीक है। स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। तो 5, 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मतलब ये, और 0, -2 मतलब ये, ठीक है। तो ये दोनों इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये लाइन बना दो, तो ये आ गया लाइन, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन ओरिजिन साइड मतलब ये होगा इसका सॉल्यूशन सेट, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये लिखना मत भूलना क्या, 2x-5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इक्वल टू 10, ठीक है, ओके। अब वैसे उसको भी करते, बट इसमें ओरिजिन टेस्ट काम करेगा नहीं, तो ओरिजिन टेस्ट जब ना काम करे तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक पॉइंट ले लेने का। तो एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, 1, 0 ले लो, तो 5, 1 ज़ा 5 -0, तो 5 <= 0 होता है क्या? नहीं होता है। तो 1, 0 मतलब इस सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। 1, 0 कहाँ होगा? यहाँ होगा। फिलहाल इसका पहले तो ये 0, 0 से पास हो रहा है, मतलब एक तो ये यहाँ से पास हो रहा है, और x बराबर 1 अगर डालते हो तो y बराबर क्या आ रहा है? y बराबर आ रहा है 5/3। अगर x बराबर 1 डाल रहे हो तो y बराबर 5/3 आ रहा है, मतलब एक और पॉइंट से पास हो रहा है 1, 5/3 से, तो 1, 5/3 मतलब यहाँ से। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, तो ये लाइन कैसी रही होगी? ऐसी रही होगी, ठीक है। और साथ ही हम लोगों ने जब 1, 0 इसमें टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया हम लोगों ने? टेस्ट नहीं, टेस्ट किया 1, 0, तो 1, 0 इसमें जब हमने टेस्ट किया तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में 1, 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब इसका शेडेड रीजन ऊपर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे, अब बाकी जो लोग शॉर्टकट जानते हैं उन लोगों ने देख ही लिया है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो मतलब ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड मतलब ओरिजिन इसी तरफ है, ठीक है। वैसे तो तुम खुद ओरिजिन पे खड़े हो, लेकिन फिर भी सोच सकते हो, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? एक पॉइंट डाल के टेस्ट करते हैं। तो हमने 1, 0 डाल के यहाँ पे टेस्ट किया तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये 1, 0 इसके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इसको नहीं आना है तो इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, नीचे आएगा तो तुरंत ये आ नहीं जाएगा इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 5 के जितने क्वेश्चन हैं उनको शांत मन से अच्छे से हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर कोई डाउट रह गया तो पूरा आ जाएगा वो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं शांत मन से, जैसा आप चाहते हो। तो इसमें मैंने क्या बोला, इसमें हम लोग टेबल बनाते हैं। कौन सा टेबल? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कभी शॉर्टकट लिख दूं तो नाराज मत होना, ठीक है, आप लॉन्ग कट लिखना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर यहाँ पे रीजन, कौन से रीजन की तरफ है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा, ओके। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है 2x + y = 2 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 1। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे निकालोगे तो y को जीरो पुट करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब y जीरो, तो x आ गया 1। y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x जीरो, x को जीरो पुट करते ही y आ गया 2। इसका x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब y0, तो x आ गया 1, और इसका x0 तो y आ गया -1, ठीक है, ठीक है। अब हमें चेक करना है रीजन कौन सा है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन ओरिजिन साइड है, चाहिए तो ओरिजिन टेस्ट भी कर लो, 0, 0 डाल दो, तो 0 > 2 आ रहा है, क्या 0 2 से बड़ा होता है? तो सेटिस्फाई, तो नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। और ये यहाँ पे 0, 0 डालो तो 0 < 1, क्या 0, 1 से छोटा होता है? होता है, सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब ओरिजिन साइड। तो इसका इक्वेशन ओरिजिन साइड और उसका नॉन ओरिजिन साइड। अब हम लोग इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे ड्रॉ करें? चलो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले स्केल इसमें अति महत्वपूर्ण है, तो स्केल आ जाएगा आप लोगों को ऑन बोथ एक्सेस 1 cm = 1 यूनिट, ठीक है, ओके ओके। तो ये पास हो रही है 1, 0 और 0, 2 से, मतलब 1, 0 कहाँ आएगा? 1, 0 आएगा यहाँ, और 0, 2 आएगा यहाँ,
तो बेसिकली इन दो पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, तो ऑब्वियसली ऐसे ही पास हुई होगी, और कोई रास्ता है क्या? नहीं ना, ये पास हो रही है 1, 0 मतलब यहाँ, और 0, -1 मतलब यहाँ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास हो रही है, मतलब वो पास हो रही है ऐसे। ओके ओके, तो ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है 2x + y = 2 का, और ये इक्वेशन है x - y = 1 का। तो सॉल्यूशन सेट ढूंढते हैं, ठीक है। 2x + y = 2 के लिए हमें नॉन ओरिजिन साइड जाना है, मतलब हमें इस तरफ जाना है, ठीक है, ओके। और x - y = 1 के लिए हमें ओरिजिन साइड आना है, तो x - y = 1 ये है ना, तो ओरिजिन कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो बेसिकली ऐसे जाना है, तो बेसिकली हमें ऐसे 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 जाना है, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन ये वाला आ गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे बाकी सब आप लोग रफ कर दो, रफ नहीं करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को आ जाएगा, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट सॉल्यूशन सेट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही मेथड है, सबसे पहले करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर उसके बाद रीजन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, रीजन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला टेबल, ठीक है, ओके। तो करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है x - y = 2, और दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 8। तो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन होगा तो वाई ज़ीरो होगा, वाई से इंटरसेक्शन होगा तो एक्स ज़ीरो होगा। वाई को ज़ीरो डालो तो x = 2 आ गया, x को 0 डालो तो y - 2 आ गया, मतलब ये लाइन यहाँ यहाँ से पास हो रही है। और लेस देन साइड है, लेस देन साइन है, इसका मतलब ओरिजिन साइड, और ये भी लेस देन साइड है, मतलब ओरिजिन साइड, ठीक है। लेस देन साइन मतलब ओरिजिन साइड, और ग्रेटर देन साइन मतलब नॉन ओरिजिन साइड। लेकिन ध्यान रखना ये माइनस में ना हो, अगर ये माइनस में हुए तो वहाँ धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ, तब तुम्हें जो हमारी परंपरा है उसी के हिसाब से जाना पड़ेगा। परंपरा बोले तो क्या, एक्स वाई जीरो डालो तो 0 < 8 आया, क्या 0 8 से छोटा होता है? होता है, तो इसका मतलब ओरिजिन साइड, ठीक है। अच्छा, x एक्सिस के लिए y को 0 डाला तो x 8 आया, x को 0 डाला तो y 4 आया। तो चलो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, तो अब की बार x को हमें 8 तक ले जाना है, ले जाते हैं, तो ये हो गया x, ये हो गया y, सकेल तो वही रहेगा, सकेल क्या रहेगा, सकेल रहेगा ऑन बोथ एक्सिस 1 cm = 1 unit, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 0 यहाँ आएगा, और 0, 4 यहाँ आएगा, ठीक है। तो वो लाइन कैसे पास हो रही होगी, ये ऐसे पास हो रही होगी, ठीक है। कौन सी लाइन, x + 2y = 8 वाली, ओके। फिर 2, 0, 0, 2 मतलब ये, और 0, -2 मतलब ये, तो ये वाली लाइन ऐसे पास हो रही है, कौन सी लाइन, x - y = 2 वाली, ठीक है, ठीक है। अब दोनों ही ओरिजिन साइड है, दोनों ही ओरिजिन साइड है, तो इनका सॉल्यूशन साफ साफ दिख रहा है। इसका ओरिजिन साइड मतलब नीचे, और इसका ओरिजिन साइड मतलब ऊपर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया क्या आ गया हमारा, सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे लिख सकते हो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन सेट। तो ये चीज़ आप लोग कभी कभी खुद से लिख लेना, अगर मैं ना लिखूँ तो, जैसे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेबल बनाओ, करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई, एकदम शॉर्टकट पे आ गया मैं, और यहाँ पे रीजन, ठीक है, ओके। तो करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, x + y = 6 और x + 2y = 10। एक्स का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वाई 0, तो एक्स आ गया 6। वाई के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वाई आ गया 6, ओके ओके। अब इसमें जब एक्स 0 है तो एक्स 10 है, और जब एक्स 0 है तो वाई 5 है, जब वाई 0 है तो एक्स 10 है, और जब वो समझ रहे हो ना यार, इसमें कोई वो नहीं है यार, रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ग्रेटर मतलब नॉन ओरिजिन साइड, और लेस मतलब ओरिजिन साइड, ठीक है। अब दोनों लाइन बना लो, तो बेसिकली ये 10, 0 तक जा रहा है, तो मुझे बहुत ही बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सकेल आप खुद से मत लिखना, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ सकेल ऑन बोथ एक्सेस 1 cm = 1 unit। तो 10, 0 मान लो कहीं यहाँ आ रहा है, और 0, 5 मान लो कहीं यहाँ आ रहा है, तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ठीक है। और 6, 0 और 0, 6 कहाँ से जाएगा, 6, 0 और 0, 6 यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गया 6, 0 और 0, 6,
ये 6.0 और ये 0.6, ये 0.5 और ये 10.0, ठीक है ठीक है। अब एक है नॉन ओरिजिन साइड, एक है ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड कौन है? ये तो x प्लस वाई बराबर 6 है और ये x प्लस 2y बराबर 10 है। तो x प्लस वाई बराबर 6 जो है वो नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब ये वाली लाइन किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये लाइन है इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और ये है ओरिजिन साइड, क्योंकि लेस देन है ना, तो ओरिजिन साइड है। तो मतलब ये लाइन है इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो बेसिकली ये जो शेड हुआ ना, ये वाला रीजन आ जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे लिख देना, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशंस। चलो क्वेश्चन नंबर 4-5 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5-4 कर लेते हैं। 4-5 करना चाहता था बट मैंने 4-5 पहले लिख लिया, 4 बाद में लिखा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतिहास में पहली बार आखिरी क्वेश्चन पहले करेंगे। ओके, तो टेबल वही बनाना है, करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और इस साइड आएगा रीजन, क्लियर, ठीक है। तो बना देते हैं, करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 5। तो x एक्सिस इंटरसेक्शन होगा तो y 0 हो जाएगा, y 0 होगा तो x की वैल्यू आ रही है 5/2, मतलब 2.5, और जब y एक्सिस से इंटरसेक्शन होगा तो x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी अगेन 5/2। सही में y एक्सिस इंटरसेक्शन होगा तो x 0, हाँ, तो y की वैल्यू सीधा सीधा 5 आएगी ना, सिंपल। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। बाकी ओरिजिन टेस्ट भी कर सकते हो आप, अगर शॉर्टकट नहीं जानना है तो। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो x एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए y को 0 डालो तो 1.0, और ये आ जाएगा 0.-1। लेस है मतलब ओरिजिन साइड, लेस है मतलब ओरिजिन साइड, ठीक है। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। 0.5 मतलब ये हुआ 0.5, 2.5.0 मतलब ये 2.5.0, तो मतलब वो लाइन इन दोनों जगह से पास हो रही है, तो ये हो गई हम लोगों की लाइन पास, ठीक है। नॉन ओरिजिन साइड मतलब इसका सॉल्यूशन जाएगा उस तरफ। ओके, नेक्स्ट है x माइनस वाई बराबर 1, तो 1.0 कहाँ है? यहाँ है। 0.-1 कहाँ है? यहाँ है। तो ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये कौन सी लाइन थी? ये लाइन थी 2x + y = 5, और ये लाइन है x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ है? ओरिजिन साइड, मतलब इस तरफ। तो इस तरफ लेकर जाओ, ये इस तरफ। तो बेसिकली ये आपका कौन सा एरिया आ गया? ये आपका शेडेड रीजन आ गया, और यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो उल्टा ही हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। तो करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड उसके बाद रीजन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे रीजन, ठीक है। चलो, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रीजन। करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 2x + 3y = 6। एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए वाई को 0 डालो, वाई 0 जाएगा तो एक्स आएगा 3। एक वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए एक्स को 0 डालो, एक्स को 0 डालोगे तो वाई आएगा 2। लेस देन 0 मतलब ओरिजिन साइड, ठीक है, और ग्रेटर मतलब नॉन ओरिजिन साइड। चलिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 4y = 4। तो अगर x y 0 है, अगर y 0 है तो x 4 है, और अगर x 0 है तो y 1 है, ठीक है। तो ग्राफ बना लो अब। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, यहाँ पे स्केल लिख लो, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है। ओके, तो 3.0 और 0.2, ये हो गया 3.0, ये हो गया 0.2, तो ये हो गया हमारा ये वाला लाइन, कौन सा? 2x + 3y = 6, और इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड है, ओरिजिन साइड है मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पीछे की तरफ सॉल्यूशन। फिर 4.0 और 0.1 कहाँ आएगा? 0.1 कहीं यहाँ आएगा, क्योंकि ये 0.2 है ना, तो 0.1 कहीं आएगा, और 4.0 कहीं यहाँ आएगा, तो ये लाइन ऐसे पास होगी, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन कहाँ है? इसका सॉल्यूशन है नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड मतलब पीछे की तरफ, तो ओरिजिन से बाहर, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एरिया है, ये वाला एरिया हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन सेट।
क्लियर, आसानी था यार सब कुछ तो। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सॉल्व करेंगे 7.2।